नमस्कार सभी को। जनसरोकार मंच के आज के इस कार्यक्रम कविता बोलती है पर मैं उपस्थित हूँ। मेवाराम गुर्जर आपके सामने कुछ अपनी कविताएं लेकर तो शुरू करता हूँ। पहली कविता, रात के अंतिम पहर में। रात के इस अंतिम पहर में निरपेक्षता और सापेक्षता के अंतर्द्वंद के बीच उजास की प्रतीक्षा में बैठी एक स्त्री देखती है अंधेरे की कोख में छिपे दृश्यों को। इंद्रधनुष के रंगों से इतर न जाने ये कौन सा रंग बिखरा है नीरवता के इस पथ पर। समय के छद्म पास में बंधी ढूंढ रही है अपनी मुक्ति के विकल्प, ये जानते हुए भी कि जिजीविषा से विरक्त आत्मा के लिए स्वच्छंदता अनिवार्य शर्त नहीं है। परंतु अपनी आभासी इच्छाओं के ठहराव के लिए चाहती है उन्मुक्तता। समय के इस गह्वर में स्वीकृति और अस्वीकृति की अपनी तमाम उत्कंठाओं को लिए रात के चौथे पहर में भी उसकी आंखों में नींद नहीं है। इस मंझ अंधेरी रात में चांद झांक रहा है उसकी खिड़की से और खिड़की के पास खड़ी एक स्त्री समय के पारदर्शी दर्पण के उस पार न जाने क्या देख रही है। दूसरी कविता है नमक। उसे अपने हिस्से का नमक बाजार से नहीं, कनखियों के आसपास सूख चुके पसीने की बूंदों से मिला है। उसने पीठ पर ढोया है नमक ताकि पहुंच सके समय के बाजार में। खुदरा दुकानों पर और कुछ महंगे स्टोर्स पर जो उसकी पहुंच से दूर हैं। सच यह भी है कि उसे नमक की ज्यादा जरूरत नहीं है। नमक ढोते हुए इतना नमक तो उसकी हड्डियों में घुल ही चुका है जो पर्याप्त तो होगा उसकी सूखती देह के लिए। उसके स्वप्न में, उसकी नींद में, उसके जीवन में घुला हुआ है नमक का खारापन। सदियों से ढोता रहा वह अपनी पीठ पर नमक, लेकिन कभी अपने लिए नहीं जुटा पाया एक मुट्ठी नमक। अपनी तीसरी कविता है यात्रा में, जो मेरे पहले काव्य संग्रह यात्राओं के पदचिन्ह से है। तुम्हारे शहर से लौटते हुए बस की खिड़की से देखता हूँ विपरीत दिशा में दौड़ती कोई नदी, पहाड़, पेड़ और खेत। पीछे छूटती इन चीजों के ठीक विपरीत दिशा में दौड़ता रहता है मन। इस यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया है कि दो शहरों के बीच यात्रा करती है केवल देह। यात्राओं के पदचिन्ह से ही एक और कविता आपके सामने रख रहा हूँ, ठहरना शीर्षक से। मेरे प्रेम थोड़ा ठहरना, तुम मुझे देखना है अभी तुम्हारी आंखों के महासागर में तैरते कुछ अधूरे सपने, स्मृतियों के बियाबान में भटकता एक खाली मन, तुम्हारी पीठ पर देख सकूं यात्राओं के पदचिन्ह और पैरों के छालों में लगा दूं मेरे सुख का मरहम, तुम्हारी लंबी यात्राओं के लिए बांध दूं थोड़ा सा साथ, तुम ठहरो ताकि मैं देख सकूं थोड़ा सा बचा हुआ बसंत और थोड़ी सी बारिश, मेरी सांस के अंतिम बंद के टूट जाने तक मैं सहेजना चाहती हूं तुम्हारे दुख, ताकि तुम्हारे दुख ओढ़े खुद को बचा सकूं तुम्हारे लौट आने तक। ऐसी एक कविता और आपके सामने रख रहा हूं, छोटी छोटी कविताएं हैं। तुम्हारा होना ही सत्य है शीर्षक से है। मुझे बुद्ध नहीं होना, बुद्ध होने के लिए मुझे छोड़ना होगा तुम्हें या त्यागना पड़ेगा घर, और मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा
तुम्हें छोड़ने की शर्त पर, यदि मुझे होना हो बुद्ध या पाना हो कैवल्य, तो मैं बुद्ध नहीं सिद्धार्थ बनूंगा, तो मैं बुद्ध नहीं सिद्धार्थ बनूंगा। क्या बुद्ध होने के लिए जरूरी है घर छोड़ना या किसी का प्रेम त्यागना? यदि हाँ तो मुझे नहीं चाहिए कैवल्य, नहीं करनी सत्य की खोज, नहीं जाना महापरि महानिर्माण मार्ग पर। तुम्हारा होना ही मेरा सत्य है और तुम्हारा प्रेम ही मेरा कैवल्य। ये छोटी छोटी 5 कविताएं आपके सामने रखी, उम्मीद है सभी श्रोताओं को पसंद आई होंगी।